हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिकेट टॉक्स। और ये एक और वीडियो है सीरीज ऑफ वीडियोस में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबल इलेवेंस ऑफ द आईपीएल 2021। आपने पिछले कुछ वीडियोस में अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो देखा होगा कि कैसे हमने दूसरी दूसरी टीम्स के डिस्कस करे हैं प्रोबेबल इलेवेंस, और देखा कौन कौन से इम्पैक्ट प्लेयर्स हो सकते हैं इस साल के आईपीएल में। तो आज की टीम हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी चल रहे हैं तो एवरीवन इज क्वाइट फेमिलियर विद कोलकाता राइट नाउ। तो देखते हैं उनकी 11 कैसे दिख रही है और क्या एक चांस मिल सकता है केकेआर को टू गेट दिस ईयर्स टाइटल एंड प्रूव इट टू देयर फैंस दैट दे आर स्टिल इन इट एज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द आईपीएल। तो इनकी टीम बनाने के लिए मैं ये पहले ही बोलना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी मुश्किल लगी ये सोचने के लिए कि कौन से बॉलर्स खेलेंगे और कौन से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लास्ट ईयर दे ट्राइड सो मेनी ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस कभी चले, कुछ ऑप्शंस नहीं चले, एंड इनके ऑप्शन की स्ट्रैटेजी से भी मुझे ये नहीं लगा कि देवर फोकसिंग ऑन सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अगर मैं टॉप से स्टार्ट करूँ तो शुभमन गिल डेफिनेटली ओपन्स, शुभमन गिल एंड सुनील नारायण विल ओपन फॉर मी। मैंने साथ में टिम साइफर्ट भी रखा है बिकॉज दे हैव बॉट हिम इन द ऑक्शन दिस ईयर, क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर है, इनका एंट्री इस टीम में मुश्किल है, बट टिम साइफर्ट हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल फॉर न्यूजीलैंड। और अगर ओपनिंग करानी होगी तो टिम साइफर्ट से मैं ओपन करा सकता हूँ अगर ऑप्शन मिलता है तो मैंने अभी साइड में रखा हुआ है, बट आई डोंट नो इफ दैट वुड कम अप एज एन ऑप्शन। वन डाउन मैंने नितेश राणा को रखा हुआ है। नितेश राणा का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं रहा था, बट ही स्टिल अ बैंकेबल प्लेयर फॉर दिस टीम। आई होप ही हैज़ कम बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्म, एंड क्योंकि एक इतने अच्छे इंडियन टैलेंट हैं, ही डेफिनेटली मेक्स इट टू दी साइड एंड ही कैन कैरी फॉरवर्ड दिस केकेआर 11 ऑन हिज ओन शोल्डर्स सिंगल हैंडली। नेक्स्ट मैंने रखा है ओयन मॉर्गन को। अगेन डिबेट रहेगी ओयन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक में। कैप्टेंसी तो डिसाइड हो गई है सिंस दिनेश कार्तिक स्टेप डाउन लास्ट ईयर, तो दिनेश कार्तिक को अगर आप टू डाउन लेके आते हैं तो फिर ओयन मॉर्गन नीचे चले जाएंगे। बट एज आई हैव सेड बिफोर ऑल्सो इन अदर वीडियोज़ की T20 क्रिकेट में यू हैव टू गिव योर बेस्ट प्लेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स, और ओयन मॉर्गन मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट की, उनको ज़्यादा बॉल्स मिलनी चाहिए एंड ही शुड कम टू डाउन, तो इसलिए मैंने ओयन मॉर्गन को एट नंबर 4 रखा है। नंबर 5 पे मैंने एंड्रे रसल को रखा है। ही इज़ अ वेरी फ्लूइड प्लेयर, कहीं भी आके स्लॉग कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। उनका फॉर्म ऑफ लेट इतना अच्छा नहीं रहा है एंड आई एम नॉट श्योर इफ ही इज़ गोइंग टू बोल। इफ ही इज़ गोइंग टू बोल ही विल बी अ बिग बिग प्लस फॉर दिस केकेआर 11, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अदर बोलर्स टू चिप इन इफ एंड्रे रसल इज नॉट बोलिंग। मैंने साथ में यहाँ पे बेन कटिंग को भी रखा है। बेन कटिंग इज ऑल्सो अ न्यू बाय। बेन कटिंग एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत सारे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल चुके हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड बहुत सारी टीम्स के लिए खेल चुके हैं। ही हैज़ बीन लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड सेंटर इन टर्म्स ऑफ ऑल द आईपीएल फ्रेंचाइजीज, तो ही इज़ अ प्लेयर हु आई थिंक जस्ट कैन कम इन एंड परफॉर्म। ही वुड बी नीडेड और मे बी नीडेड इफ केकेआर आर फॉलिंग बिहाइंड, तो मैंने उनको अभी रोटेशन में रखा हुआ है इन केस एंड्रे रसल गेट्स इंजर्ड एंड ही कैन ब्रिंग दैट ऑल राउंड कैपेबिलिटी। उसके बाद मैंने डीके को रखा है, जस्ट एज आई सेड बिफोर ओयन मॉर्गन और डीके के बीच में ऑप्शन रहेगा एंड दे वुड बोथ मेक इट टू द 11, बट हाँ आई वुड प्रेफर दिनेश कार्तिक इन द स्लॉग ओवर्स इन द लास्ट 4 ओवर्स रादर देन बिटवीन 7 to 15। देन आई हैव केप्ट राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी वैसे तो ओपनर हैं बट लास्ट ईयर ही डेफिनेटली परफॉर्म्ड डाउन द ऑर्डर एंड आई थिंक इफ नॉट ओपनिंग ही डेफिनेटली इज़ अ रियली गुड बैट्समैन इन दिस टीम, एंड मुझे इनके जगह करुण नायर ही दिखते हैं जो कि पंजाब किंग्स से आए हैं इन दिस ईयर ऑक्शन। सो करुण नायर ऑफ लेट इतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहे एंड everyone was thinking of really high things from him, but इतना वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो इनको भी मैंने रोटेशन पे रखा है। अगर राहुल त्रिपाठी परफॉर्म नहीं करते हैं देन करुण नायर मेक्स द कट।
उसके बाद हमारे डिपेंडेबल पैट कमिंस हैं जो कि बैटिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आई वुड ट्रीट हिम लाइक एन ऑलराउंडर नाउ. एंड लास्ट ईयर उनका प्राइस टैग बहुत हाई था एंड सॉर्ट ऑफ लिव्ड अप टू द प्राइस टैग, ऑल्दो कोलकाता कुडंट मेक इट, दे कुडंट मेक द कट, बट एट द एंड ऑफ इट पैट कमिंस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था फॉर कोलकाता. अब यहाँ पे जो मैं पहले प्रॉब्लम बोल रहा था वो मेरे सामने आ गई है, जहाँ पे पैट कमिंस तो आ गए हैं और बाकी तीनों स्पॉट आपके फॉरेन प्लेयर्स के फिलअप हो गए हैं. देन हाउ डू आई प्ले शाकिब अल हसन एंड लॉकी फर्ग्यूसन? शाकिब अल हसन इज़ अ वेरी वेरी बैंकेबल प्लेयर इन T20 क्रिकेट. ही कैन रिप्लेस एंड्रे रसल, नो डाउट, बट डू यू थिंक यू कैन रिप्लेस एंड्रे रसल एट एनी पॉइंट? एंड कैन यू रिप्लेस ओयन मॉर्गन? ओयन मॉर्गन तो कैप्टन है, आप कैप्टन तभी चूज करते हैं थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि ही इज गोइंग टू प्ले ऑल योर गेम्स. एंड वुड यू वॉन्ट टू रिप्लेस सुनील नारायण विद शाकिब अल हसन? इफ़ यू डू दैट, येस, इट्स अ लाइक फॉर लाइक चेंज. ये भी स्पिनर हैं और वो भी स्पिनर हैं, बट सुनील नारायण ओपनिंग में जो एज प्रोवाइड करते हैं, देन हु ओपन्स फॉर यू इन दिस टीम? और ओपनिंग के लिए फिर आप राहुल त्रिपाठी के ऊपर लेके आएंगे? आई मीन बहुत कॉम्बिनेशन में इधर उधर चेंजेस करने पड़ेंगे. टीम का बैलेंस तो सही रहेगा, बट आई थिंक मोमेंटम ब्रेक हो जाता है एक टीम का इफ़ द चेंजेस आर लाइक एट एवरी स्पॉट इन द बैटिंग लाइनअप. तो ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, ऑल दो आई हैव अ फीलिंग शाकिब अल हसन मेक्स द 11, बट मुझे दिख नहीं रहा कि वो कहाँ पे आते हैं. या तो सुनील नारायण की जगह खेलेंगे या एंड्रे रसल की जगह खेलेंगे, बट वेरी डिफिकल्ट टू से. फिर लॉकी फर्ग्यूसन के लिए भी सेम है, लास्ट ईयर ही प्लेड द मैचेस व्हेन ही केम इन एंड ही एक्चुअली परफॉर्म्ड रियली वेल, लेकिन उनके लिए भी मुझे इस टीम में जगह नहीं दिख रही है एज टू वेयर डू आई प्ले हिम, बिकॉज योर बैटिंग इज सो सेट विद मॉर्गन एंड रसल. इट क्रिएट्स एन इशू इन प्लेइंग लॉकी फर्ग्यूसन एज अ फॉरेन बॉलर. उसके बाद मैंने कमलेश नागरकोटी को रखा हुआ है एंड कमलेश नागरकोटी एंड शिवम मावी दे गो बोथ गो हैंड इन हैंड, इफ वन प्लेज द अदर कांट. तो जो भी बेटर परफॉर्म करेगा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट दे विल गेट देयर कट एंड आई थिंक दे आर बैंकेबल प्लेयर्स. कमलेश नागरकोटी का थोड़ा बैटिंग भी अच्छा है, तो आई थिंक ही वुड बी प्रेफर्ड फर्स्ट अप देन शिवम मावी. देन आई हैव पुट इन आर न्यू एडिशन टू द स्क्वाड, न्यू एडिशन टू द कोलकाता नाइट राइडर्स ब्रांड, मिस्टर हरभजन सिंह. आई डोंट नो इफ इट्स हिज लास्ट IPL, बट इफ इट इज आई थिंक इट वुड बी अ गुड ट्रिब्यूट टू हैव हिम प्ले सम ऑफ द गेम्स. एंड आई हैव पुट हिम इन द स्टार्टिंग 11 जस्ट फॉर द फैक्ट कि कुलदीप यादव एज अ स्पिनर वॉज नॉट परफॉर्मिंग फॉर KKR एंड कुलदीप यादव हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग फॉर इंडिया ऑल्सो ऑफ लेट. आई थिंक उनका फॉर्म काफ़ी ड्रॉप हो गया एंड मे बी ड्यू टू नॉट बींग सिलेक्टेड इन द इंडियन टीम उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा गिर गया है. तो दैट्स वाई आई पुट हरभजन सिंह एज अ फर्स्ट ऑफ स्पिनर. He has been effective in the IPL always and I hope to see the same form again from him. इसमें अगेन डाउटफुल ये रहेगा कि वरुण चक्रवर्ती भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे लास्ट ईयर, सो डू यू प्ले वरुण चक्रवर्ती इंस्टेड ऑफ हरभजन सिंह? एंड इफ़ यू डू दैट देन येस यू गेट दैट मिस्ट्री स्पिनर, बट हरभजन सिंह इज़ मोर बैंकेबल अकॉर्डिंग टू मी जस्ट फॉर द फैक्ट कि वो एक अच्छी इकॉनमी लेके आते हैं एंड दैट कैन पुट द ब्रेक्स ऑन स्कोरिंग. देन लास्ट में प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रसिद्ध कृष्णा हैज़ मेड इज इंडिया डेब्यू एज वेल, तो ही अगेन स्टार्ट्स फॉर मी एज अ फास्ट बोलर एंड ही इज एन इंडियन फास्ट बोलर, तो ही डेफिनेटली मेक्स द 11. तो ये कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, ऑल्दो मैंने जैसे बोला था आई एम क्वाइट कन्फ्यूज एज टू हाउ टू मेक दिस 11, बट स्टिल आई थिंक इफ दे इफ 60% और 70% ऑफ दिस प्लेयर्स परफॉर्म, I think KKR will definitely make the playoff and they have a really good team. It's just that the players need to perform at the correct time. तो ये था KKR का probable 11 from me and आप बाकी videos भी देख सकते हैं इसी channel पे regarding the probable 11 and we are going to have more updates coming through the season of this year's IPL. So I'll see you on the next video and do join us then. Awesome!